उत्तर प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा जोरों पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की चर्चाएं भी काफी तेज हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 हारने के बाद राजभर वापस बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर कयासों का दौर इतना जोर पकड़ा कि सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने इस बात का खंडन किया। अरविंद राजभर ने इस बारे में सबसे पहले अपने फेसबुक पोस्ट पर इस खबर का खंडन करते हुए लिखा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की खबर निराधार है। पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, है और रहेगी। इसके बाद दोपहर तक खुद ओम प्रकाश राजभर ने एक चैनल से बातचीत के दौरान इस खबर को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये सभी रिपोर्ट निराधार हैं, न मैं दिल्ली गया और न ही किसी से मिला। मैं स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों में व्यस्त हूँ, सपा गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। राजभर ने मुलाकात की तस्वीरों को लेकर कहा कि वो पुरानी तस्वीरें हैं, कोई पुरानी तस्वीरों को फिर से पोस्ट कर सकता है और जो चाहे कह सकता है। बता दें कि इससे पहले दावा किया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव 2022 हारने के बाद राजभर वापस बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कहा तो यहां तक गया कि ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल के साथ 18 मार्च को मुलाकात की। ओपी राजभर की इन नेताओं के साथ मुलाकात करीब घंटे भर चली। साथ ही राजभर के बयान से पहले चर्चा थी कि सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने के साथ ही उन्हें योगी सरकार के किसी मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। राजभर के साथ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी एनडीए का हिस्सा होंगे, ऐसी चर्चा थी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के चुप्पी तोड़ने के बाद फिलहाल सभी कयासों पर विराम लग गया है। वहीं इससे पहले राजभर के बेटे ने भी इस संबंध में खबरों को गलत और निराधार बताया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले एनडीए का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को यूपी चुनाव में प्रचंड जीत मिली है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 403 में से 273 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है। ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ गठबंधन में शामिल थे, इस गठबंधन को 125 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनावी जीत के बाद यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी तो ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद राजभर ने बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।